चाइनीज पॉपुलर एक्ट्रेस शिवांगी जोशी इज अ वेरी प्राइवेट पर्सन और आजकल एक्ट्रेस को लेकर कई हेडलाइंस बन रही है। इसी बारे में उनसे एक इवेंट पर पूछा गया, जहां पर उनसे उनके एक्स बॉयफ्रेंड मोहसिन खान के साथ आने वाले शो के रूमर के बारे में भी कहा गया और शिवांगी ने कहा, दैट्स व्हाट रूमर्स आर फॉर, दे कम एंड गो। शिवांगी की इस स्टेटमेंट को लोगों ने बहुत गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट किया और इस पर मीडिया चैनल्स ने वॉइस ओवर भी चलाया अकॉर्डिंग टू हर और उन्हें ऑडियंस ने सेल्फिश कहा। इस बार शिवांगी चुप नहीं रही और उन्होंने सोशल मीडिया पर इसे एड्रेस करते हुए कहा कि वो बहुत डिसअपॉइंटेड है। शिवांगी ने कहा, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर मिसकंस्ट्रूइंग माय वर्ड्स एंड मिस इंटरप्रेटिंग देम। रिसेंटली एट एन इवेंट आई वाज आस्क्ड अ जेनरिक क्वेश्चन अबाउट अ लॉट ऑफ रूमर्स गोइंग अराउंड टू व्हिच आई सेड, दैट्स व्हाट रूमर्स आर फॉर, राइट, दे कम एंड गो। Unfortunately, my response was tweaked with voiceover and the outcome was a lot of uncalled for remarks and statements causing emotional turmoil for my family and me. I have always kept my personal life private and refrained from talking about it in open forums. Hence, I request you to kindly respect my privacy. When the time is right, you will know. But taking advantage of someone's generic statement and bashing them and their families is not at all human. I respect everyone and I expect the same in return. Thank you. शिवांगी की इस स्टेटमेंट के बाद उनके फैंस उनके सपोर्ट में आगे आए और कहा कि अच्छा हुआ शिवांगी ने ओपनली इस इशू को एड्रेस किया, क्योंकि लोग शिवांगी के साथ साथ उनकी फैमिली को भी इसमें ड्रैग कर रहे थे। शिवांगी जोशी और कुशाल टंडन के डेटिंग रूमर्स काफी टाइम से है और दोनों ने अपनी एंगेजमेंट रूमर्स पर तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फुल स्टॉप लगा दिया था, बट दोनों को साथ में थाईलैंड में स्पॉट किया गया, जिसके बाद से ये रूमर्स दोबारा सामने आए। इवन कुशाल टंडन ने भी सोशल मीडिया पर इसी तरह के लोगों के लिए ट्वीट करते हुए कहा, पीपल हु लव मी एंड हु आर एसोसिएटेड विद मी, प्लीज बी काम एंड फोकस ऑन योर लाइफ एंड स्टे हैप्पी एंड रॉकिंग लाइक मी। फ्यू स्ट्यूपिड मोरॉन्स सिटिंग बिहाइंड अ डेस्कटॉप विद अ जॉबलेस लाइफ डजंट अफेक्ट मी, मस्त रहो।